हमने लास्ट क्लासेस में मटेरियल कॉस्टिंग शुरू किया था और मटेरियल कॉस्टिंग में हमने ईओक्यू की पूरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और फिर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द मटेरियल कॉस्टिंग एंड हाउ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज कंट्रोल्ड। अब हम आज क्या करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे ईओक्यू पे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ईओक्यू 1 to 6 में क्वेश्चन करेंगे 1, 2 और 4 नंबर क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है 1, 2 और 4 नंबर क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे ईओक्यू पे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया गया था उस क्वेश्चन पे हमने क्या डिस्कस किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईओक्यू रूट अंडर 2AO/C। दिस इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट एट ईओक्यू ईओक्यू पे इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2AOC जिसमें AOC होता है। जैसे लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था जिसका एनुअल कंजम्पशन कितनी था 20,000 यूनिट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था 1873, कैरिंग कॉस्ट कितनी थी ₹3, ये ₹1873। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट कितना होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट एट ईओक्यू। ईओक्यू पे हमारे पास क्या फॉर्मूला बन सकता है रूट अंडर 2 20,000 1873 × 3 ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। टू इंटू 20,000 1873 × 3 दैट इज 15,000। यहां पे 1875 था, 1875 था, तो ये आपका 15,000 आया, 15,000 आ गया जो कल मैंने लास्ट क्लास में निकाल के बताया था ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया था, जो नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास था, नेक्स्ट एग्जांपल में था एनुअल कंजम्पशन 600, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10, कैरिंग कॉस्ट 1.20। तो इसमें ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग कॉस्ट एट ईओक्यू पे क्या फॉर्मूला बन सकता है हमारे पास रूट अंडर 2600 दिस 1.20। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 × 600 × ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹10 था, यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹10 था तो 10 कर देंगे इंटू 10 × 1.2, इसकी रूट अंडर लेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ये आपकी 120 आई हुई थी, हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था। आज हम आपको क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जो इसके बेस पे है। वह क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट हैविंग मंथली डिमांड ऑफ 2000 यूनिट्स
फॉर वन यूनिट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट 2 kg ऑफ पार्टिकुलर रॉ मटेरियल इज नीडेड, 2 kg ऑफ पार्टिकुलर रॉ मटेरियल इज नीडेड। 1 kg फिनिश गुड्स के लिए 2 kg पार्टिकुलर रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल इज ₹20 पर kg, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹120 पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट 10% ऑफ पर एनम। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, ये आपको निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर वन, आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर देते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है उसको देखिए। पहले इसमें लिखी हुई है, सबसे पहले अ कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मंथली डिमांड, मंथली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, मंथली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट 2000 यूनिट्स, मंथली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट 2000 यूनिट्स। फिर आपकी क्वेश्चन लिखी गई है 1 kg फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड 2 kg रॉ मटेरियल, 2 kg रॉ मटेरियल। परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल ₹20 दिया हुआ है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹120 दिया हुआ है। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट आपको दी हुई है 10% पर एनम दिया हुआ है। होल्डिंग कॉस्ट 10% पर एनम दी हुई है। अब इसकी सॉल्यूशन बनानी है, क्या दो चीजें निकालनी है, इसमें दो चीजें कैलकुलेट करना है। एक कैलकुलेट करना है ईओक्यू और दूसरी आपकी कैलकुलेट करनी है ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। एक ईओक्यू कैलकुलेट करनी है, दूसरी ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको 2000 जो यूनिट्स की डिमांड है, ये प्रोडक्ट का डिमांड है। ये क्या चीज का डिमांड है? प्रोडक्ट का डिमांड है। तो प्रोडक्ट के डिमांड हमें जरूरत नहीं है, हमें रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड चाहिए। तो वो प्रोडक्ट के डिमांड के बेस पे रॉ मटेरियल की डिमांड है। जैसे 2 kg यहाँ पे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 1 kg ऑफ फिनिश गुड्स। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में क्या निकालेंगे, एनुअल रॉ मटेरियल कितना होगा। दूसरी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट कितनी है, ₹2 है। इसका 10% आपकी कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है। उसके बेस पे दो वर्किंग नोट की आवश्यकता है। हम आपको वर्किंग नोट फर्स्ट शुरू करते हैं। वर्किंग नोट वन कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट सर 2000 आपको केजी चाहिए एक महीना के लिए, तो 12 महीने के लिए कितना चाहिए, 12 मंथ्स के लिए, तो 24,000 kg रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर
वन केजी आउटपुट, वन केजी आउटपुट के लिए कितनी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है? 2 केजी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 24,000 केजी आउटपुट, 2 × 24,000 ये कितना हो जाएगा? 48,000 केजी हो जाएगा, 48,000 केजी हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? दूसरा चाहिए आपको कैरिंग कॉस्ट। वर्किंग नोट 2, अब आपको वर्किंग नोट हम सेकंड बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एनम हम सी से निकालेंगे। इन्होंने इन्होंने क्या बोला है, 10% ऑफ मटेरियल प्राइस, 10% ऑफ रुपीज, रॉ मटेरियल प्राइसेस कितनी है? 20 है, तो रुपीज 2 हो जाएगा। ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट किस रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में ₹120। अब हम इसकी आंसर निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू। तो सर ईओक्यू इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर 2AO/C। यहां पे रूट अंडर निकालेंगे हम, ए के प्लेस पे 48,000 हो जाएगा, ओ के प्लेस पे कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पे लिखी हुई है ₹120। सी के प्लेस पे हमारे पास कितनी है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ₹2। सी के प्लेस पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ₹2 है। तो इसका आंसर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ये कितना हो जाएगा? ये 2400 यूनिट्स हो जाएगा। ये आपको यूनिट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब आप दूसरे पार्ट का आंसर लिखिए, दूसरे पार्ट का आंसर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस क्या पूछी गई है? कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट एट ईओक्यू, ईओक्यू पे ही निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, रूट अंडर 2AOC। अब ये इसका देखिए, 2AOC 2 × 48,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास कितनी है? 120। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 2 है। अब आपको यहां पे देखिए, ये आपको कंट्री मल्टीप्लाई करने के बाद 4000 हो जाएगा, रुपीज 4000 आपका हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट 4000। यह क्वेश्चन हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट फॉलोइंग फॉलोज द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू वन ऑफ द इट्स कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स द डिटेल्स आर एज फॉलोज। परचेज प्राइस ऑफ कंपोनेंट्स ₹200 है, रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस। कॉस्ट ऑफ ऑर्डर ₹100 है। एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग वन यूनिट ऑफ इन्वेंट्री 10% ऑफ परचेज प्राइस है। टोटल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड ऑर्डरिंग, यहां पे स्टोरेज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट 4000 है।
इसके बेस पे हम एनुअल कंजम्पशन निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन नहीं दी गई। फिर उन्होंने क्या बोला है, द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ डिस्काउंट 2% ऑन द प्राइस ऑफ द कंपोनेंट प्रोवाइडेड द लॉट साइज 2000। अगर 2000 परचेज करेंगे तो परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल जो 200 है वो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ईओक्यू, ईओक्यू निकालनी है। एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट, क्वांटिटी डिस्काउंट जो एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया करेंगे या नहीं करेंगे। एज्यूम दैट द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंट पॉलिसी, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट कैरी उसकी पॉलिसी। फिर आपको उन्होंने जैसे कैरिंग कॉस्ट को चेंज हमने किया था, एग्जाम्पल में देखिएगा, जब आपकी प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल चेंज हुआ था तो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज के बेसिस पे जब होता था तो उसको मैंने चेंज किया था, यहाँ पे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने ये वाली बात बोली, एज्यूम दैट द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ द पॉलिसी, इसके अनुसार आपको वो चेंज होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, वो चेंज आपको नहीं होगा, ये वाली बातें बोली गई है। वुड यू एडवाइस डिफर इफ द कंपनी ऑफर 5% डिस्काउंट सिंगल ऑर्डर, एक ऑर्डर जो देते हैं जितनी भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी अगर सिंगल ऑर्डर देंगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो क्या आप अपनी पॉलिसी को चेंज करेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्होंने एक बात बताई है कि इन्होंने आपको एक पॉइंट बोला है, जैसे मैं कल एग्जाम्पल जो दिया था उस एग्जाम्पल के बारे में मैंने आपको बताता हूं। एग्जाम्पल जो था उसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट रुपीज सिक्स और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इसकी परसेंटेज दी थी 20%। तो हमने कैरिंग कॉस्ट कितना निकाला था, 20% ऑफ रुपीज सिक्स, हमने ये निकाला था 1.20 रुपया निकाला था, ये निकाला था। डिस्काउंट पॉलिसी में हमने देखा था, डिस्काउंट की पॉलिसी जब हुई थी तो आप देखिएगा, डिस्काउंट पॉलिसी प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, आपको डिस्काउंट पॉलिसी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट कितनी हो गई थी, उन्होंने कहा था कि भाई साहब 6 रुपया प्राइस से 5% की डिस्काउंट मिलेगी, तो यहां आपको 5.70 रुपया हो गया। तो इस केस में कैरिंग कॉस्ट आपको कितनी हो गई थी, 20% ऑफ रुपीज 5.70 रुपीज 1.14, ये वाली हम कैरिंग कॉस्ट चेंज की है, मैंने प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल के बेसिस पे कैरिंग कॉस्ट चेंज हुआ था जो एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल में, सेकंड एग्जांपल में। ठीक है, लेकिन यहां पे क्वेश्चंस क्या बोली गई है, यहां पे क्वेश्चंस क्या बोला है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। यहां पे एज्यूम दैट द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंट पॉलिसी, डिस्काउंट की जैसे जैसे रॉ मटेरियल की प्राइसेस चेंजेस होगा उसके अनुसार आपको कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगा। तो कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे 10% ऑफ परचेज प्राइस जो लिखा हुआ है, 200 आपकी परचेज प्राइस है, तो 10% ऑफ 220 रुपीज जो होगा, 20 रुपीज जो होगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, हमेशा के लिए वही होगा जिस भी डिस्काउंट पॉलिसी में आप खरीदेंगे, कैरिंग कॉस्ट डज नॉट चेंज पर यूनिट पर, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, अब दूसरी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को देखिए। इस इंफॉर्मेशन लिखा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टू का मैं आंसर देने जा रहा हूं, यहां पे लिखा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल रुपीज 200, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर ऑर्डर रुपीज 100, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, इन्होंने 10% बोला है परचेज प्राइस, परचेज प्राइस का डेट इज सी इक्वल टू क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 10% ऑफ रुपीज 200 दैट इक्वल टू रुपीज 20 होगा, ये कितनी होगी रुपीज 20 होगा, कैरिंग कॉस्ट रुपीज 20, 10% ऑफ रुपीज 20 दैट इक्वल टू रुपीज 20। अब आपके पास क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड ऑर्डरिंग, ये स्टोरेज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है, स्टोरेज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये ईओक्यू पे दिया होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट रुपीज 4000 दिया हुआ है। अब आपसे पूछी गई है ईओक्यू निकालिए, ईओक्यू, अब यहां पे देखिए एनुअल कंजम्पशन तो दी नहीं है, एनुअल कंजम्पशन तो दिया नहीं है, तो ईओक्यू निकालने के लिए एनुअल कंजम्पशन की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, एनुअल कंजम्पशन निकालने की कोशिश करके, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम एनुअल कंजम्पशन निकालने की कोशिश करेंगे, क्लियर है ना। तो सबसे पहले इसकी आपको वर्किंग नोट फर्स्ट में निकालेंगे, वर्किंग नोट फर्स्ट हम लिखेंगे, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, हम सर एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल निकालेंगे, ठीक है। अब आप देखिए और स्टोरेज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2AOC, अब क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, यह 4000 दिया हुआ, और हम क्या कर सकते हैं बताइए, 2 into ये कितनी है, A को नहीं दिया हुआ है, यहां पे A आपको ने ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर रुपीज 100 दी हुई है, तो यहां पे 100, अब आप कैरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, 20, ये रुपीज 4000 हो जाएगा, और A इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सपायरिंग करेंगे बोथ साइड, 4000 एक्सपायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल होने के बाद यहां पे 2 100 ये 20, ये 4000 हो जाएगा, तो यहां पे 4000 केजी आपकी एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ये 4000 केजी एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल आ गया, ठीक है। अब हम ईओक्यू निकाल सकते हैं, नाउ वी कैन कैलकुलेट ईओक्यू, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछी है, ईओक्यू निकालनी है, कंप्यूट ईओक्यू, फर्स्ट पार्ट का आंसर, ए पार्ट का आंसर देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू,
यो क्यू इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर टू एओ अब्लिक सी, यहां पे क्या होगा रूट अंडर टू ए के प्लेस पे कितनी हमारे पास 4000 हमने निकाला, ओ के प्लेस पे कितनी है 100, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 20, ये कितना होगा 200 केजी आपके पास यूक्यू हो जाएगा, 200 केजी यूक्यू हो गया, ये पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरा, उन्होंने बोला है कि डिस्काउंट पॉलिसी, अब बी पार्ट यहां पे देखिए और सी पार्ट, बी एंड सी पार्ट, बी और सी दोनों को एक ही साथ हम बनाते हैं, उसकी आंसर देखना है। इवेल्युएशन ऑफ डिस्काउंट पॉलिसी, इवेल्युएशन ऑफ डिस्काउंट पॉलिसी, डिस्काउंट पॉलिसी को हमें इवेल्युएट करनी है। इवेल्युएशन ऑफ डिस्काउंट पॉलिसी को हमें इवेल्युएट करनी है। अब देखिए, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एट ईओक्यू 200 केजी हम ऑर्डर करेंगे तो प्राइस कितनी होगी रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल की प्राइसेस कितनी होगी 200 केजी अगर रॉ मटेरियल हम परचेज करेंगे तो प्राइस होगा 200। अब प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एट 2000 केजी ऑर्डर, 2000 ऑर्डर, उन्होंने कहा कि भाई 200 केजी तो पहले था, अब आपको 4% डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको कितनी परसेंट, 2% डिस्काउंट, तो 0.02 आपका डिस्काउंट के अनुसार प्राइस कितना, 196 हो जाएगा। अब प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एट सिंगल ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर का मतलब 4000 यूनिट्स रॉ मटेरियल चाहिए, अब 4000 का 4000 यूनिट रॉ मटेरियल आप एक ही बार परचेज करते हैं, एट सिंगल ऑर्डर दैट इज 4000 केजी ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज, तो यहां आपकी प्राइस जो 200 रुपया था वो 5% से डिस्काउंट हो जाएगा, यह रुपीज कितना हो जाएगा 5% से डिस्काउंट हो जाएगा और यह रुपीज 190 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। अब हम तीनों पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। तो जब भी डिस्काउंट की पॉलिसी होता है तो मैंने कहा था कि तीन कॉस्ट को हम ऐड करते हैं, कौन कौन सी कॉस्ट को, मटेरियल परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, और जिसका कॉस्ट सबसे कम होता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो तीनों कॉस्ट को निकालेंगे, देखिए कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ परचेज, ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहां पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम निकालेंगे रॉ मटेरियल का, तो तीन केसेस को लेकर हम डिस्कस करेंगे। यहां पे ऑर्डर साइज,
पाउडर साइज योक्यू 200, 2% डिस्काउंट दो हजार के जी, 5% डिस्काउंट 4000 के जी। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं एवरेज इन्वेंट्री। सर जितनी ऑर्डर करते हैं उसकी आधी 100 हो जाएगा। सर जितनी ऑर्डर साइज होता है उसका आधी, जितनी ऑर्डर साइज होता है उसकी आधी, ये आपकी 2000 हो गया। दूसरा होता है एवरेज इन्वेंट्री के बाद कैरिंग कॉस्ट। ये कैरिंग कॉस्ट निकलेगा इस पे नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर। सर 4000 मटेरियल चाहिए, 200 से लेकर हम ऑर्डर करते हैं 20, 4000 मटेरियल चाहिए, 2000 केजी हम ऑर्डर परते करते हैं 2, 4000 ऑर्डर करते हैं, 4000 ये है 1। अब आपको क्या होगा यहां पे, यहां पे लिखेंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कितने हो जाएगा, 4000 को हम 200 की रेट से परचेज करेंगे। यहां पे 4000 केजी को 196 से परचेज करेंगे, यहां पे 4000 को हम 190 के रेट से परचेज करेंगे। तो ये रुपीज 8 लाख है, ये रुपीज 7 लाख 84,000 है, ये रुपीज 7 लाख 60,000 है रॉ मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद हम निकलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। सपोज ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमारे पास बी हो जाएगा। सर इसमें 20 ऑर्डर है, एक ऑर्डर का कॉस्ट कितनी है, 100 रुपया है, ये रुपीज 2000 हो जाएगा। सर दो ऑर्डर है, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपया। सर इसमें 200 हो जाएगा। सर एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर का कॉस्ट 100 रुपया है, तो इसमें कितना हो जाएगा आपको, रुपीज 100 हो जाएगा। तीसरा आपका होता है कैरिंग कॉस्ट, ये आपका सी हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज आपको 100 रुपया रखना पड़ रहा है और 20 रुपया आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आया है, तो 2000। तो ईओक्यू पे हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इक्वल होता है, ईओक्यू पे हमेशा ये दोनों इक्वल होता है। यहां पे एवरेज 1000 यूनिट है, हमने कितनी 20, तो ये आपका 20,000 रुपीज हो जाएगा। एवरेज 2000 है और 20 रुपीज के रेट से ये कितना हो जाएगा आपका, 40,000 रुपीज हो जाएगा। तो टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपकी कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट परचेज कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को ऐड करेंगे, 8,04,000, 8,04,200, 8,01,000। अब बताइए सर हमारे पास
कौन सी कॉस्ट सबसे कम है। तो यहां पे 8,04,000 टू है, यहां पे कॉस्ट इंक्रीज किया हुआ है, जबकि यहां पे कॉस्ट आपका क्या किया है, डिक्रीज किया हुआ है। तो लोएस्ट परचेज कॉस्ट एट 5% डिस्काउंट दैट इज वन लॉट साइज, मैंने सिंगल ऑर्डर में सबसे कम कॉस्ट लग रही है, इसीलिए हम सिंगल ऑर्डर परचेज करेंगे, यह डिसीजन होगा। तो यहां पे हम डिसीजन क्या लिखेंगे, डिसीजन हमारे पास क्या आएगा, सिंस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एट सिंगल ऑर्डर साइज इज लोअर देन अदर टू अल्टरनेटिव, देयरफॉर इट इज बेटर डिसीजन टू ऑर्डर सिंगल ऑर्डर दैट इज लॉट साइज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज 4,000 kg, लॉट साइज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज 4,000 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसी टाइप की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट इज परचेस्ड एट ₹60 per kg, द कंपनी इनकर्स हैंडलिंग कॉस्ट ₹360 प्लस फ्रेट ₹390 पर ऑर्डर। यहां पे हैंडलिंग कॉस्ट प्लस फ्रेट, ये दोनों पर ऑर्डर पे पैसा लगेगा, तो दोनों ऐड करके हम क्या करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे, ₹360 प्लस ₹390 पर ऑर्डर। द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹0.50 पर केजी पर मंथ, इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन कॉस्ट ऑफ वर्क, यहां पे इन्वेंट्रियल का 0.05 केजी पर मंथ हो गया, इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इन्वेंट्री इज ₹9 पर केजी पर मंथ। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट में हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस लगता है उसको भी ऐड करते हैं, तो यहां पे ₹9 ये भी ऐड करेंगे, और ये पर मंथ है जो पर एनम के तरीका पे निकालते हैं। द एनुअल प्रोडक्शन इज 1 लाख यूनिट्स, 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल, 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल, 2.5 kg यूनिट्स ऑब्टेन, 1 लाख यूनिट्स हमें रॉ मटेरियल प्रोडक्ट चाहिए, 1 लाख kg रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बनाने के लिए 2.5 यूनिट्स ऑफ मटेरियल चाहिए 1 kg आउटपुट के लिए। ठीक है, अब फिर हम आगे देखिए, कैलकुलेट ईओक्यू ऑफ द रॉ मटेरियल, हाउ फ्रीक्वेंटली द ऑर्डर शुड बी प्लेस, कितनी फ्रीक्वेंट ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर इफ द कंपनी प्रपोजेज टू रेशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, इफ द कंपनी प्रपोजेज टू रेशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस,
व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी निगोशिएटेड। अगर क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं तो कितने परसेंट का डिस्काउंट के लिए निगोशिएशन करेंगे, ये आपको कैलकुलेशन करनी। ठीक है, स्टार्ट किया जाए क्वेश्चंस, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी क्वेश्चंस में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले लिखिए। परचेज प्राइस यहां पे, परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, कंपोनेंट का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट आपकी कितनी दी है, रुपीज 60 पर केजी। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको क्या होगा यहां पे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन रुपीज 360, रुपीज 390, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको पास कितना हो जाएगा, रुपीज 750 पर ऑर्डर। यहां पे कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता है 750। फिर इसके बाद है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो गया, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम होता है। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, 50 पैसा 0.50 पर मंथ का है, तो पर एनम निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितनी है, रुपीज 90, तो ये रुपीज 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट। अब आपसे एनुअल प्रोडक्ट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट कितना लिखा हुआ है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट 100,000 केजी लिखा हुआ है और 1 केजी आउटपुट या 2.5 केजी आउटपुट लिखे, 2.5 केजी आउटपुट रिक्वायर्ड 1 केजी रॉ मटेरियल, 1 केजी रॉ मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले आपसे पूछी गई है ईओक्यू निकाली, तो ईओक्यू निकालने के लिए आपको कितनी रॉ मटेरियल चाहिए वो भी निकालना जरूरी है, वो निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1,00,000 केजी आउटपुट, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1,00,000 केजी आउटपुट, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर 2.5 केजी आउटपुट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 1 केजी, 1,00,000 केजी आउटपुट
वन अपॉन 2.5 40 kg रॉ मटेरियल आपको चाहिए, 40 kg रॉ मटेरियल चाहिए। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, हम ईओक्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, ईओक्यू निकालनी है, ईओक्यू तो ईओक्यू का क्या फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, ईओक्यू इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 2AO/C। टू ए के प्लेस पे कितना लिखेंगे, 40,000। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने कितना लाया था, 750। कैरिंग कॉस्ट हमारे पास कितना आ गया था, 15। कैरिंग कॉस्ट 15 हो गया था। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 kg। हमारे पास ईओक्यू है 2000 kg, ईओक्यू 2000 kg का मतलब इस प्रोडक्शन यूनिट पे ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होगा, इस प्रोडक्शन यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आपको दूसरा क्या निकालनी है, उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर मान लीजिए क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करते हैं तो, क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करते हैं तो दूसरा इसमें क्या क्वेश्चन पूछी गई, हाउ फ्रीक्वेंसी द ऑर्डर शुड बी प्लेस, फ्रीक्वेंसी द ऑर्डर कितना प्लेस करेंगे। सेकेंड पार्ट का आंसर देखिए, नंबर ऑफ ऑर्डर, सर टोटल हमारे पास मटेरियल कितनी डिमांड है, 40,000 रॉ मटेरियल की डिमांड है और हम 2000 यूनिट्स पर आपको बना रहे हैं, तो 20 ऑर्डर्स। अब देखिए आप, टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स, टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स, दो ऑर्डर के बीच में कितने दिनों की गैप हो, तो सर टोटल आपके 360 डेज होता है और 20 ऑर्डर्स हमारे पास चाहिए, तो 18 डेज हो जाएगा। माने हाउ फ्रीक्वेंट द ऑर्डर शुड बी प्लेस इन इंटरवल ऑफ ईच 18 डेज, वन ऑर्डर शुड बी प्लेस इन इंटरवल ऑफ ईच 18 डेज वन ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। अब आपको यहां पे एक एजम्पशन हम लेंगे कि अगर मान लिया जाए 360 हम डेज ले सकते हैं कि नहीं, हम एजम्पशन 360 डेज के प्लेस पे, 365 पे होता है, तो वी कैन टेक, वी कैन टेक 365 डेज इन वन ईयर ऑल्सो, हम 365 भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, तो 365 पे थोड़ा सा फ्रैक्शन में आएगा, कोई बात नहीं। अब तीसरी पार्ट में क्वेश्चंस क्या पूछी गई, तीसरी पार्ट में क्वेश्चंस क्या पूछा गया, यहां पे देखिए तीसरी पार्ट में क्वेश्चंस क्या पूछा गया, इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रेशनलाइज प्लेसमेंट एंड ऑर्डर क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस मैंने अभी 20 ऑर्डर्स है ना, 20 के बेसिस पे क्वार्टर मैंने साल में 4 बार ऑर्डर प्लेस करेंगे,
क्वार्टरली बेसिस व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल शुड बी निगोशिएटेड, कितनी परसेंट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल निगोशिएट करेंगे ये आपको बताने, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी निगोशिएटेड, कितनी परसेंट प्राइस ऑफ निगोशिएट करोगे आप। तो भाई जितनी भी एक्सेस आपकी कॉस्ट होगी क्वार्टरली ऑर्डर के कारण वो सारे की सारी निगोशिएट करोगे। उन्होंने कहा कि आप ईओक्यू वाली पॉलिसी मत फॉलो करो, आप क्या पॉलिसी फॉलो करो, आप क्वार्टरली परचेज करो, क्वार्टरली रॉ मटेरियल परचेज करो। आप क्या कहोगे, नहीं सर क्वार्टरली परचेज करने में हमारी कॉस्ट इंक्रीज करती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज करती है। तो अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट जितनी इंक्रीज करती है वो वाला आप मुझे दे दीजिए, डिस्काउंट में दे दीजिए, तो मैं क्वार्टरली ऑर्डर करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही होगा ना, क्वार्टरली ऑर्डर कब करेगा, जबकि आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट आपको जितनी भी इंक्रीज करेगा उतना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्वार्टरली ऑर्डर पे कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट लग रही है, ईओक्यू पे कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट लग रही है, दोनों के बीच की डिफरेंस निकालेंगे। और जो एक्सेस कॉस्ट होगा वो हम क्या करेंगे, हम निगोशिएशन करेंगे। किस बात के लिए निगोशिएशन करेंगे, कि सर आप इतना पैसा मुझे डिस्काउंट दे दो। क्लियर है? तो तीसरे पार्ट का हम क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। तीसरे पार्ट का आंसर बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू एंड क्वार्टर ऑर्डर क्वार्टरली। तो यहां दो बातों पे हमें कंसेंट्रेट करनी है। सर यहां पे ऑर्डर साइज होगा ईओक्यू 2000, क्वार्टर, तो क्वार्टर में देखिए हमें 40,000 रॉ मटेरियल की चाहिए। अब फोर ऑर्डर होगा तो क्या होगा, 10,000 होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहां, नंबर ऑफ ऑर्डर। सर यहां पे 20 ऑर्डर हमने पहले निकाल चुका है, यहां पे क्वार्टर ऑर्डर के बारे में बोला ही है। फिर बोला है एवरेज इन्वेंट्री, सर जितनी ऑर्डर करते हैं उसकी आधी 1000 हो जाएगा, हम जितनी ऑर्डर करते हैं उसकी आधी 5000 हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा यहां पे, ट्वेंटी ऑर्डर है आपको किस रुपया के रेट से, 750 के रेट से 15,000 हो जाएगा। यहां पे चार ऑर्डर है 750 रुपए की रेट से, यहां पे 3,000 हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट जितने हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री है उसको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट के रेट से, तो ये तो ईओक्यू पे हमेशा दोनों बराबर होता है, ये हमेशा बराबर होता है। दूसरी यहां पे देखिए हमारे पास 5,000 हमारे पास है 15 रुपए की रेट से, 75,000
टोटल कॉस्ट आपका कितना हो गया, टोटल कॉस्ट यहां पे 30,000 है, टोटल कॉस्ट यहां पे 30,000 और यहां पे 78,000 है। अब जो भी है भाई साहब, आप कहेंगे कि हम यूक्यू पे फॉलो करते हैं तो 30,000 ऑर्डरिंग एंड क्लियरिंग कॉस्ट लग रहा है। आप कह रहे हो कि नहीं, आप क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करो तो क्वार्टरली ऑर्डर में 78,000 हमारी कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रही है, हम 78,000 क्यों पे करें भाई। तो आप जो एक्सेस कॉस्ट हो रहा है वो आप क्या कर दीजिए, मुझे डिस्काउंट में दे दीजिए। जब एक्सेस कॉस्ट जो हो रही है वो आप मुझे डिस्काउंट में दे दीजिए। एक्सेस कॉस्ट शुड बी निगोशिएटेड फॉर द डिस्काउंट। एक्सेस कॉस्ट ड्यू टू क्वार्टरली ऑर्डर शुड बी निगोशिएटेड फॉर डिस्काउंट, दैट इज 78,000 खर्च हो रही थी क्वार्टरली, यूक्यू पे 30,000 खर्च हो रहा था, ₹48,000 डिस्काउंट के लिए हम बोलेंगे, ₹48,000 डिस्काउंट के लिए बोलेंगे। तो डिस्काउंट पर यूनिट कितना की हम निगोशिएट करेंगे, डिस्काउंट पर यूनिट कितना की हम डिस्काउंट करेंगे, पर यूनिट ₹48,000 डिस्काउंट है 40,000 परचेज करने में, ₹48,000 डिस्काउंट है 30,000 परचेज करने में, 30,000 परचेज करने में। तो आपका यहां पे कितना होगा, 48 डिवाइड 40 1.20 डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालना हो तो क्या डिस्काउंट परसेंटेज, सपोज कीजिए प्राइस ₹60 है कंपोनेंट का, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइसेज उन्होंने लिखा हुआ है, 1.2 डिवाइड 60 × 100 डेट इक्वल टू 2% निगोशिएशन करनी चाहिए, 2% डिस्काउंट की निगोशिएशन करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हमने आपको ईओक्यू समझाने की कोशिश की कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे। नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, 6 क्वेश्चन करनी है, 3 क्वेश्चंस मैंने अभी कंप्लीट किया। ओके ओके, थैंक यू क्लास।